लखीसराय जिले की बढ़िया थाना अंतर्गत जैतपुर गांव में देर रात्रि छापेमारी के दौरान गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में लखीसराय के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात तस्कर रोशन सिंह द्वारा भारी मात्रा में गांजे की तस्करी करने की योजना है, जिसे 83 गाँव टोला में छुपा कर रखा गया है और अब किसी दूसरी जगह पर भेजने की फिराक में है। उक्त सूचना पर तत्काल एक टीम गठित करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में रोशन सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई। उसी क्रम में रोशन सिंह के सहयोगी पिंटू महतो उर्फ बाघा, पाली महतो, प्रकाश महतो के घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान गांजे की बरामदगी की गई। ज्ञात हो कि पिंटू महतो के घर से 283 किलो 190 ग्राम, पाली महतो के घर से 565 किलो 900 ग्राम, प्रकाश महतो के घर से 283 किलो 190 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गठित टीम संजय कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक कृपा शंकर शुक्ला शामिल थे। एनसीबी जो होता है उसको भी भेजेंगे, जहाँ पे ये गांजा या किसी तरह का एनडीपीएस सामान पकड़ने पे भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई क्या कुछ ऐसा? ये कल रात में लखीसराय जिला में मेरे पुलिस ड्राइव था, उस एस ड्राइव में अलग अलग थानों में अलग अलग कांडों में जो वांछित अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसी क्रम में मिगनी चौकी में भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ एक कट्टा और दो जिंदा गोली भी बरामद हुई। उसके अलावा हमारा थाना क्षेत्र में भी एक निरंजन साहब का जो मर्डर केस है उसमें एक जो वांछित मर्डर केस का अपराधी था उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा हंसी थाना क्षेत्र में 4 लोगों को शराब पीते हुए एक होटल से पकड़ा गया। तो ये सारी और भी थानों से गिरफ्तारी हुई है। और ये आपका बढ़िया थाना में तो 1100 kg के आसपास गांजा बरामद हुआ ही है, और भी थाना क्षेत्र में और भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये मुख्य गिरफ्तारी है। हंसी वाला सर क्या? जयपुर का एक रोशन सिंह है, उसके द्वारा बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी के लिए यहाँ पर लाया गया है, जिसको हम लोगों ने सूचना को वेरीफाई किया तो वो सही पाया गया। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक टीम बनाई SHO बुढ़िया के नेतृत्व में, और उस टीम ने जब छापेमारी स्टार्ट की तो एक उसका सहयोगी है पिंटू महतो उर्फ बाघा, पिता डोलन महतो, और उसके घर से फिर गांजा बरामद हुआ। उसके अलावा एक और उसका सहयोगी है रोशन का, पाली महतो और प्रकाश महतो, इन तीनों के घर से बरामद हुआ है गांजा। पिंटू महतो के घर से लगभग 282 kg के आसपास बरामद हुआ है, पाली महतो के घर से लगभग 565 kg बरामद हुआ है, प्रकाश महतो के यहाँ से लगभग 282 kg, टोटल 1100 kg के आसपास ये गांजा है। और इसमें गिरफ्तारी भी हुई है पिंटू महतो की, जिसके घर से 282 kg का गांजा बरामद भी हुआ। और इसके छापामारी दल में तो SHO के नेतृत्व में हुआ, SHO पड़ैया के नेतृत्व में, और बाकी सही रंजन, संजीत, ओम प्रकाश, ये सारे। कितने कीमत का बाजार भाव? हम बहुत श्योर नहीं है, पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, उससे कम का तो नहीं होगा। और ये रोशन सिंह के ऊपर पुराना भी केस है NDPS का, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, और उसका हम लोगों की प्रॉपर्टी भी निकाल रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हम लोग ED को भेजने की प्रक्रिया है। बड़ी खेप है सर, कहाँ भेजने की योजना? ये अभी हमको ये सूचना थी कि यहाँ पे लाया गया और यहाँ से कल रात में इसको कहीं ले जाने का सूचना है। कहाँ ले जाने की सूचना है ये अभी अनुसंधान का विषय है, अभी पूरी तरीके से हम इस पे क्लियर नहीं। सर, बार बार आपके द्वारा पकड़ा भी जा रहा है, कामयाबी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में हमारे से पाया जाता है। बड़े मात्रा में जब आता है तब हम पकड़ लेते हैं, ये है। और कोशिश कर रहे हैं लोग, और लेकिन हमारी टीम जो है काफ़ी सजग है, और इसको लगातार हम लोग छापेमारी करके जब भी बार बार लगातार हम लोग अच्छी उपलब्धि खास करके बढ़िया में हो रही है तो ये अच्छी बात है। बाकी जो मेन इसका रोशन सिंह है उसकी